झांसी में इन दिनों सत्ताधारी सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में डंके की चोट पर माफिया खनन कर रही है। आलम यहां है कि एक मीटर खनन की परमिशन लेकर एक किलोमीटर खनन किया जा रहा है। तस्वीर झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र की है, जहां डंके की चोट पर बेतवा नदी का सीना छलनी कर जलधारा को रोक कर प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन हो रहा है और जिम्मेदार खनन विभाग के मौन। दरअसल झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एरच थाना इलाके में चल रहे ढेरा घाट से अवैध खनन की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सामने ही नहीं आई, माफियाओं ने चौथे स्तंभ पर हमला भी किया। दरअसल इससे पहले कि आपको हम पूरा मामला समझाएं, उससे पहले खनन माफियाओं का पत्रकारों पर इस हमले की तस्वीर को देख लीजिए। दरअसल घाट पर अवैध रूप से चल रही पनडुब्बी लिफ्टर मशीन से मजदूर की नदी में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर समाज का आईना बनकर सामने खड़े रहने वाले पत्रकार इस खबर को कवरेज करने पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खनन माफिया उन्हें ही अपनी खबर बना लेंगे। खनन माफिया ये सब समझ पाते इससे पहले माफियाओं को लगा कि मीडिया कर्मी अवैध खनन की खबर कवरेज करने आए, जिससे करीब 3 दर्जन लोगों ने मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया। और बोलते भी क्यों ना, जब ये घाट निजी भूमि पट्टा की आड़ में बेतवा नदी के बीचों बीच से गरोठा विधायक के लल्ला के संरक्षण में चल रहा है और वहां पत्रकार पहुंच जाए, मजाल थोड़ी ना है। फिर क्या था, सत्ताधारी विधायक के लल्ला के गुरुओं ने पत्रकारों को भी बंधक बना लिया और जमकर उनके साथ मारपिटाई, यहाँ तक कि पत्रकारों के मोबाइल, गले में पहने चेन समेत रुपए भी छीन लिए। और जिस बुलेरो कार से आए थे उस बुलेरो कार को गुर्गों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ डाला। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने हुंकार भरी है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मामले पर जल्द से जल्द बात कर तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक इस मामले को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की मांग, कार्यवाही न होने पर धरने की चेतावनी दी। हालांकि दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने नाम दर्ज 4 आरोपी अजय शुक्ला, नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, हेमंत राजपूत समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आगे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा चल रही है, जल्द ही रणनीति तय कर जिले स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मामला है? मैं राजेंद्र बुंदेला, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, तहसील संवाददाता गरोठा। हमको ढेरा घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं। तो हम एवं हमारे 2 साथी साथ में हम लोग कवरेज करने ढेरा घाट पर जा रहे थे, तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और हमारे साथ हमको मार के 3 लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के मेरा अपहरण करके कहीं बोल रहे थे कि बेतवा नदी के पुल से इन लोगों को फेंक दो, ये साले मर जाएंगे। तो हम लोगों ने, हमारे साथ ही जो पप्पू पाठक हैं, हम दोनों लोग करीब 30 की स्पीड में गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद के अपनी जान बचा के बचे भागे हैं और हमको बहुत ज़्यादा मारा है। और उनके साथ करीब मारने वाले 15 लोग थे। क्या आपका कोई सामान गया है? हाँ, हमारा मोबाइल, एक अंगूठी और हमारी जंजीर। क्या चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं साथियों, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग गरोठा तहसील में जाके सभी पत्रकार अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। अगर और न्याय नहीं होता है तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपनी आत्महत्या करने का ऐलान कर रहे हैं। मैं पत्रकारिता राष्ट्र की सहारा से तो हूँ, लेकर अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपनी पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा, जो आप लोगों से कह रहे हैं।